WWE एक ऐसा रेसलिंग एंटरटेनमेंट शो जिसे हम सब लोगों ने लाइफ में कभी ना कभी तो एक बार देखा ही होगा। और अगर तुम भी मेरी तरह इस शो के काफी बड़े फैन रह चुके हो तो तुम्हें पता होगा कि हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज इस शो से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई हैं। और जो लोग इस शो को 90s से जानते हैं उन्हें पता होगा कि इस शो का नाम पहले WWF था, लेकिन इन 2000 में आके इस शो का रीनेम कर दिया गया जिसे आज हम WWE से जानते हैं। पर इस वीडियो में तुम्हें इसकी हिस्ट्री के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। इस वीडियो में तुम्हें मैं कुछ इसकी डार्क साइड दिखाऊंगा, कुछ ऐसे प्रूफ्स दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद तुम सब लोग बोलोगे सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। सब लोगों ने जितने भी मैचेस WWE के देखे उन सब में तुमने एक चीज तो देखा ही होगा कि जितने भी रेसलर्स आपस में फाइट करते हैं उन्हें काफी बार इंजरीज भी हो जाती है, और उन सब इंजरीज में उनका ब्लड निकलना काफी कॉमन सी बात होती है। और हमें भी ये देख के लगता है कि आखिर वो फाइट कर रहे थे इसीलिए उनका ब्लड निकला है। तो ऐसे ही एक रेसलिंग मैच रैंडी ओटन और जॉन सीना के बीच हो रहा था हेल इन अ सेल में, जिसमें रैंडी ओटन जॉन सीना को रिंग में गिरा देते हैं एंड तभी जॉन सीना के हाथ से कुछ एक मेटेलिक चीज गलती से गिर जाती है जिसका मैच में किसी का ध्यान तो नहीं जाता लेकिन कैमरे में वो चीज रिकॉर्ड हो जाती है। एक्चुअली में वो एक मेटालिक ब्लेड था जिसे जॉन सीना ने अपने पास छुपा के रखा हुआ था, लेकिन रेफरी का जैसे ही उस पर ध्यान जाता है रेफरी छुपके से उस ब्लेड को अपने पास रख लेता है और मैच कंटिन्यू हो जाता है और कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती और मैच चलता रहता है। एक्चुअली में रेसलर्स ब्लड निकालने के लिए इस ब्लेड का यूज करते हैं ताकि लोगों को देख के ये लगे कि रेसलिंग करते हुए उनका ये ब्लड निकला है और लोगों के अंदर मैच को लेके और भी ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाए। तो ऐसे ही इस ब्लेड को जॉन सीना ने अपने पास छुपा के रखा हुआ था। तो जैसे कि इस मैच के अंदर जॉन सीना से अपना ब्लेड गिर गया था तो इस पूरे मैच के अंदर किसी को भी कोई इंजरी नहीं हुई और किसी का कोई ब्लड नहीं निकला। तुम लोगों ने रॉयल रंबल में अपने सुपरस्टार के एंट्री को तो जरूर देखा ही होगा। जैसे ही सुपरस्टार अपने रिंग के अंदर एंट्री करते हैं तो पीछे उनका सॉन्ग चल रहा होता है और ऑडियंस काफी ज्यादा क्रेजी हो जाती है और एक्साइटमेंट हो जाती है। वेल स्टार्टिंग में सिर्फ ये 3-4 सुपरस्टार की एंट्री ही दिखाते हैं, देन जितने भी उसके बाद आते हैं लोग तो वो सिर्फ उनका कैमरा सीन कट करके सीधा डायरेक्ट उनके रिंग में एंट्री दिखाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जिस स्टेडियम के अंदर ये रिंग होता है उसका एंट्री पॉइंट से रिंग तक का जो डिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो अगर कोई सुपरस्टार एंट्री पॉइंट से रिंग तक चलकर जाएगा तो उसे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए ये लोग कार्ड्स का यूज करते हैं लेकिन कैमरा पर ये चीज कभी नहीं दिखाते। थैंक्स टू अवर सोशल मीडिया, जो लोग वहां पे ऑडियंस देखने गए थी उन्होंने इस चीज को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पे डाल दिया। मुझे नहीं पता कि वो लोग ये चीज़ कैमरा पर क्यों नहीं दिखाते, लेकिन इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ये चीज़ हमसे छुपाई जाती है हमेशा। जो लोग सिंकारा को जानते हैं उन्हें पता ही होगा कि इसकी एंट्री कितनी एनर्जेटिक होती है, वो इतनी हाई जंप लगा के रोप्स के ऊपर से काफ़ी इजीली रिंग में आ जाता है और ऑडियंस भी ये चीज़ देख के काफ़ी हैरान हो जाती है। वेल इस हाई जंप का जो सीक्रेट था वो गलती से कैमरा पर एक्सपोज हो गया था, जिसमें देखा जा सकता है कि सिंकारा अपनी हाई जंप के लिए ट्रैम्पोलिन का यूज़ करते हैं। और इस चीज़ के रिवील होने के बाद WWE ने इसकी हाई जंप वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको हटाई था। और इसके बाद सिंकारा ने जितनी बार भी रिंग के अंदर एंट्री ली उन्होंने रोप्स के नीचे से स्लाइड करके एंट्री ली है। एट रेसलमेनिया 7 जिसमें जेक द स्नेक रॉबर्ट एंड द मॉडल रिक मार्शल एक ब्लाइंडफोल्ड मैच कर रहे थे जिसमें दोनों रेसलर्स को अपने आंखों को ब्लाइंडफोल्ड करना था और उसके बाद उन्होंने फाइट करनी थी। सब कुछ काफी नॉर्मल लग रहा था ये देखने में, तो जैसे ही रेफरी उन दोनों रेसलर्स को ब्लाइंडफोल्ड कर रहे थे तो गलती से कैमरा पर एक चीज नोटिस हो जाती है कि उस कपड़े के अंदर एक कटआउट है जिसके थ्रू रेसलर्स आर पार देख सकते हैं। दूर से देखने से ये चीज तो बिल्कुल नॉर्मल लगती है पर अगर वो चीज ध्यान से देखा जाए तो वो चीज नोटिसेबल है। और जब मैच स्टार्ट होता है तो वो रेसलर्स पूरी एक्टिंग करते हैं जैसे वो सच में ब्लाइंडफोल्ड है। इन 2018 रॉयल रंबल खेला गया, इस इवेंट के अंदर काफी सारे रेसलर्स रिंग के अंदर फाइट करते हैं और जो भी रेसलर रिंग से बाहर गिर जाता है वो डिसक्वालीफाई हो जाता है और लास्ट में जो रेसलर इस रिंग के अंदर बचता है वो जीत जाता है। ये कॉन्सेप्ट इस इवेंट का था। और इस मैच में रे मिस्टीरियो जॉन सीना और रोमन रेंस को अपना फिनिशर मूव जैसो 19 मारते हैं जिसमें दोनों रेसलर्स रिंग में गिर जाते हैं। और अगर इसी चीज को स्लो मोशन में देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि जैसे ये दोनों रेसलर्स रोप के ऊपर गिरे थे तो इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस था, लेकिन बाद में ये दोनों क्लोज होते हैं जिसे देखने से ये लगता है कि इन दोनों रेसलर्स को पहले ही पता था कि रे मिस्टीरियो अपना फिनिशर मूव मारने वाले हैं। और तुम देख सकते हो कि ये रेसलर्स कुछ आपस में बात भी कर रहे हैं। तुम खुद सोच के देखो कि इतनी
क्रिटिकल कंडीशन में जब तुम्हारी फाइट हो रही है तो तुम आपस में क्या ही बात करोगे। अगर तुम WWE को काफी अच्छे से जानते हो तो तुम्हें रैंडी ऑर्टन के RKO मूव के बारे में जरूर पता ही होगा। ऐसा ही एक मैच रैंडी ऑर्टन और बिग शो का 13 फेब 2012 में हुआ था, जिसमें रैंडी ऑर्टन बिग शो को अपना RKO मूव मारते हैं। देखने से बिल्कुल नॉर्मल लगता है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं लगती इस चीज में, जैसे वो अपना नॉर्मल RKO मूव मारते हैं। पर अगर इसी मूव को स्लो मोशन में देखा जाए तो तुम ध्यान से देख सकते हो, जैसे ही रैंडी ऑर्टन अपना RKO मूव मारते हैं तो बिग शो इनके मूव मारने से पहले ही गिर जाते हैं। मतलब इस मूव का उनके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं दिया, लेकिन रिएक्शन ऐसा देते हैं कि जैसे उनके ऊपर इस चीज का सच में कोई इंपैक्ट पड़ा हो। ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा काफी बार किया गया है। रेसलमेनिया 34 की जो टॉप स्टोरी लाइन थी वो ये थी कि जॉन सीना ने अंडरटेकर को फाइट के लिए चैलेंज किया था। Allow me to try my best. Do you want to see the Undertaker kick my ass at WrestleMania? और जिसे अंडरटेकर एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जब ये मैच कंडक्ट कराया जाता है तो दोनों रेसलर्स अपने अपने मूव्स मारते हैं, लेकिन बीच में जब अंडरटेकर जॉन सीना को अपना बिग बूट मूव मारते हैं तो वो जो मूव था वो जॉन सीना से थोड़ा मिस कर जाता है, क्योंकि जॉन सीना उसके इस मूव से थोड़े डिस्टेंस पर खड़े होते हैं तो उनके ऊपर कोई इस चीज का इंपैक्ट नहीं होता। स्लो मोशन और एक अलग कैमरा एंगल से साफ क्लियर हो जाता है कि इस मूव का जॉन सीना के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जॉन सीना ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे उन्हें इस मूव का सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है और उन्हें काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ है ये चीज। लेकिन फिर भी जॉन सीना गिरने की एक्टिंग करते हैं और मैच कंटिन्यू हो जाता है। ये सब कुछ इतना जल्दी होता है कि किसी का इस पर कोई भी ध्यान नहीं जाता, लेकिन इस चीज को स्लो मोशन पे देखने से साफ क्लियर हो जाता है कि जॉन सीना और अंडरटेकर के इस मूव में कोई कनेक्शन नहीं था। अल्बर्टो डेल रियो रेसलर की एक किक है जिसे कोहिमोर बोला जाता है, जिसे डेडलीस्ट किक भी बोला जाता है। इन 2017 इनकी फाइट बिग शो के साथ हो रही थी, जिसमें अपना ये मूव बिग शो को मारते हैं, जिसमें इन्होंने बिग शो को रिंग के पास खड़े होने के बाद अपनी किक मारी थी, लेकिन बिग शो ने इनकी किक को इग्नोर करा था। देखने से ये लग रहा था कि वो एक कैन उठाकर किसी को ऑडियंस में कुछ बोल रहे थे, किसी और के ऊपर ध्यान था, उनका इस चीज के ऊपर कोई ध्यान नहीं था। लेकिन अल्बर्टो ने देखा कि बिग शो का उनकी किक के ऊपर कोई ध्यान नहीं गया, तो उन्होंने दोबारा फिर यही किक मारी हवा में। बिग शो का इनकी किक के ऊपर ध्यान चला जाता है और वो गिर जाते हैं। देखने से लगता है ये काफी स्क्रिप्टेड लग रहा था ये, क्योंकि उन्हें पता था कि अब अगला मूव कौन सा था और बिग शो ने गिरना था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ WWE की स्क्रिप्ट के बारे में। इन 2014 जब WWE का इवेंट कंडक्ट हुआ था तो काफी सारे ऑडियंस ने इस इवेंट को एंजॉय करा था। एंड इवेंट खत्म होने के बाद जब सभी लोग वापस घर जा रहे थे तो उनमें से एक ऑडियंस को एक 9 पेजेस की बुकलेट मिली। पहले तो उसने इस बुकलेट पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने ध्यान से उस बुकलेट की तरफ देखा तो वो देखता है कि उस पे काफी सारी चीजें लिखी हुई थी जो उसने जस्ट अभी लाइव देखा। वो ये देख के काफी शॉक हो जाता है कि जितने भी उसने भी फाइट देखी कि कौन जीता है कौन हारा है, वो सब कुछ चीजें इस स्क्रिप्ट के अंदर काफी डिटेल्ड में लिखा हुआ था कि कौन किसे कौन सा मूव मारेगा, कौन कब रिंग के अंदर एंट्री लेगा, कौन कितनी देर के लिए लेटा रहेगा और कौन कब कौन जीतेगा और कौन कब क्या डायलॉग बोलेगा। एंड उस पर्सन ने इस स्क्रिप्ट की फोटोज क्लिक करी और इंटरनेट पर वायरल कर दिया था। WWE में रेसलर्स काफी बार गार्बेज कैन का भी यूज करते हैं अपनी फाइट्स में, जिसे देखने से लगता है कि जब ये किसी को मारते होंगे तो उन्हें काफी ज्यादा चोट लगती होगी, और जैसे वो उस कैन को किसी के ऊपर मारते तो उस कैन की पूरी शेप खराब हो जाती है। टीवी पर देखने से लगता है कि सामने वाले को ये कैन बहुत जोर से लगा होगा, पर एक्चुअली में जो गार्बेज कैन यूज होता है वो रियल नहीं होता, वो उसका रेप्लिका होता है जो एल्यूमिनियम और टीन से बनता है। जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स के कैन होते हैं सेम वही मटेरियल उन कैन में यूज होता है। जितनी पावर से हम अपने कोल्ड ड्रिंक के कैन को क्रश कर देते हैं सेम इतनी ही पावर से वो नॉर्मल बड़ा कैन भी क्रश हो जाता है। इट मींस कि वो जो गार्बेज कैन यूज होता है फाइट में सिर्फ ऑडियंस का क्रेज बढ़ाने के लिए होता है, एक्चुअली में उन्हें कोई ज्यादा मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ता। ऐसा ही एक और इक्विपमेंट अपनी फाइट में यूज करते हैं जिसे हम स्लेज हैमर भी बोलते हैं। देखने से लगता है कि ये हैमर कितना ज्यादा भारी होगा, और हमें भी पता है कि अगर ये हैमर गलती से किसी के ऊपर गिर जाए तो आधी जान तो इंसान की वहीं निकल जाएगी। और ये लोग अपनी फाइट्स में इस हैमर को काफी जोर से रेसलर्स के ऊपर यूज करते हैं, पर रेसलर इस अटैक को काफी इजीली सरवाइव कर लेते हैं। आखिर कैसे? इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि जो ये हैमर यूज करते हैं उनके दोनों साइड्स पर एक रबराइज्ड मटेरियल लगा होता है, तो अगर जिसे यूज करा जाए तो ज्यादा रेसलर्स के ऊपर कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। पर जैसे ही ये डेमोंस्ट्रेट करके दिखाते हैं कि ये हैमर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तब वो वहां पे रियल हैमर को यूज करते हैं, पर लेकिन जैसे ही वो फाइट में जाते हैं एक कैमरा कट में वो रियल वाले को रेप्लिका से रिप्लेस कर देते हैं। जब भी ऐसे लाइव रेसलिंग मैच टेलीकास्ट होते हैं तो जो लोग इन लाइव रेसलिंग मैच को देखने जाते हैं वो देखते हैं कि जैसे ही कमर्शियल आता है तो जो रेसलर्स होते हैं वो रुक जाते हैं ताकि कमर्शियल खत्म होने के बाद अपनी फाइट को कंटिन्यू कर सके। और हमें भी यही लगता है कि जब कमर्शियल आ रहा होता है वो जो रेसलर्स है वो रुक जाते हैं आराम से। पर इन 2020 में जब WWE ने अपना परफॉर्मेंस सेंटर रिलोकेट करा था
तो वहां पर कोई भी ऑडियंस नहीं थी मैच को देखने के लिए। वहां जितनी भी फाइट्स हुई वहां बिना ऑडियंस के करी गई। तो यहाँ ऐसे ही एक बार गर्ल्स की फाइट चल रही होती है जिसे लाइव टीवी पर टेलीकास्ट किया जा रहा होता है। तो ऐसी फाइट के बीच में कमर्शियल ब्रेक आता है जिसमें टेलीकास्ट को बाय मिस्टेक रोका नहीं जाता है। तो जो भी कमर्शियल ब्रेक में वो सारे रेसलर्स कर रहे होते हैं वो लोगों को लाइव टीवी पर दिखाया जाता है बाय मिस्टेक। अब ये बाय मिस्टेक हुआ भाई, इंटेंशनली हुआ ये तो यही जाने। तो वो जो रेसलर्स रिंग के अंदर कर रहे थे वो सब कुछ ऑडियंस ने लाइव देख लिया, जिसमें हम देख सकते हैं क्लियरली कि वो रेसलर्स आपस में कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, आपस में डांस कर रहे हैं, कितने अच्छे से घुल मिल रहे हैं। लेकिन ऑन कैमरा वो अपनी एक ऐसी इमेज दिखाते हैं कि हम कितने ज्यादा दुश्मन एक दूसरे के, हम किसी से बात नहीं करते। तो एक्चुअली में ये हमसे सब चीजें छुपाई जाती हैं और हमें ऐसी ही इमेज दिखाई जाती है जैसा हमें वो दिखाना चाहते हैं। इतना ही। अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर ऐसे ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।